हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर इरफान मंसूरी, होम्योपैथिक फिजिशियन, आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, विंटर सीज़न यानी कि सर्दियों के मौसम में हम खाना अधिक खाते हैं और पानी कम पीते हैं। इन दिनों पेट की समस्याएं भी काफ़ी मरीज़ों में हो रही हैं। मेरे क्लिनिक पर पेट की समस्याओं के मरीज काफ़ी आते रहते हैं। इन दिक्कतों से आप कैसे बचें, कैसे आपके खान पान में सुधार या बदलाव करें, इस बारे में मैं आपको कुछ जानकारी देने जा रहा हूं। दोस्तों, पेट की समस्याओं में खासकर हाइपर एसिडिटी यानी कि पेट में एसिड ज़्यादा मात्रा में बनना, पेट साफ न होना यानी कि कब्ज़ रहना, खाना खाने के बाद पेट में भारीपन लगना, गैस ज़्यादा मात्रा में बनना, पेट में हल्का हल्का दर्द बना रहना, बवासीर यानी कि पाइल्स और फिशर, इसी समस्याएं आजकल आम हो गई हैं। इन सभी दिक्कतों से बचने के लिए कुछ उपाय हैं जिनका आप पालन करके फ़ायदा ले सकते हैं। खाना अच्छी तरह से चबा चबा कर खाएं, खाने के तुरंत बाद ज़्यादा मात्रा में पानी न पिएं, खाने के कम से कम 1 से 1.5 घंटे बाद ही पानी पिएं। खाने के बाद में कुछ देर टहलना या पैदल चलना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। सोने से कम 2 से 3 घंटे पहले खाना खा लें। खाने में हल्का फुल्का सुपाच्य खाना ही खाएं। खाने के साथ में आप सलाद ज़रूर शामिल करें। सलाद में गाजर, मूली, खीरा, ककड़ी, शलगम, जो भी आप चाहें शामिल कर सकते हैं। तला गला मिर्च मसालेदार गरिष्ठ यानी कि भारी भोजन न करें। इसके अलावा सुबह सुबह आप 1 से 1.5 गिलास गुनगुना पानी घुट घुट करके पी सकते हैं, वो भी काफ़ी फ़ायदेमंद रह सकता है। दोस्तों, इसके अलावा अगर कोई समस्या हो और आप होम्योपैथिक इलाज चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर मुझसे व्हाट्सएप पर आप कंसल्ट कर सकते हैं, इसमें आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। दोस्तों, वीडियो हो तो लाइक करें, शेयर करें। मुझसे पहली बार मिल रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब। स्टे सेफ एंड हेल्दी। थैंक यू सो मच। हैप्पी